हे गाइस, वेलकम टू द चैनल प्रोकेम। आज का जो वीडियो हम लोग इस टाइप का फोटो को एडिट करेंगे जो आजकल बहुत सोशल मीडिया में चल रहा है। सब कोई इस टाइप का पेपर फाइल को एडिट करके पोस्ट कर रहा है, लेकिन इसको एडिट करने के लिए आपको प्रोफेशनल लाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, आज हम लोग बताएंगे बिना प्रोफेशनल लाइट सिर्फ मोबाइल फ़ोन की सहायता से हम लोग एडिट करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का फोटो को शूट कर लेना है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, फोटो शो कर रहा हूँ आपको। इस टाइप से एक फोटो को क्लिक करवा लेना है। उसके बाद आपको जैसे क्लिक करवाएगा उसका इस फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है। अब बैकग्राउंड इरेज होने के बाद तो चलिए चलते हैं PicsArt वाले ऐप्स में। सबसे पहले आपको PicsArt ऐप्स में ये बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। सारे बैकग्राउंड का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड फोटो में जाना है, उसके बाद ये जो बैकग्राउंड इरेज किया था उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको फोटो के अनुसार आपको साइज सेट कर देना है। तो चलिए मैं साइज सेट कर देता हूँ। उसके बाद जैसे साइज सेट कीजिएगा उसके बाद फोटो को डन कर देते हैं। उसके बाद फिर से जाना है ऐड फोटो में। जाने के बाद आपको ये वाला PNG लेके आ जाना है। उसके लेने आने के बाद आपको साइज़ छोटा कर देना है। उसके बाद अपने हाथ में इसे सेट करना है जैसे लगना चाहिए, हाथ में पकड़ के रखें। तो उसके लिए आपको इरेजर वाला ऑप्शन में जाना है। उसके बाद इरेजर में ऑप्शन में क्लिक करना है, उसका हार्डनेस और ओपेसिटी को कम करना है। कम कीजिएगा तो फिर नहीं होगा अच्छा से। आपको करना है कि इरेजर हार्ड ओपेसिटी और हार्डनेस को इंक्रीज़ करना है। उसका जैसे इंक्रीज़ कीजिएगा तो उसका आपको इरेज करना, ताकि लगना चाहिए आपका मतलब कि हाथ में पकड़ कर रखें इस पेपर को। अच्छा से इरेज कर देता हूँ पहले मैं, आप भी इसी तरह करके आसानी से इरेज कीजिए। अच्छा से सेट होने के बाद आपको फिर डन करना है। उसके बाद ऐड फोटो में जाना है, आपको ये वाला PNG को लेकर आना है, फायर PNG को। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। उसके बाद अपने आप जो पेपर जो लगाए थे हाथ में उसको अच्छा से सेट करना है। इसमें याद रखिएगा इसका सेट करते समय आपको लगना चाहिए मतलब कि आग लग रहा है पेपर पर। उसके बाद आपको इरेजर वाला ऑप्शन में जाना है, इरेज करना है। उसके थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देना है ताकि लगना चाहिए रियल है। उसके बाद इसका अच्छा से इरेज करने के बाद आपको क्या करना है, डन करना नहीं है। उसके बाद ऑपोसिटी को, इसका जो ऑपोसिटी इसको 80+ रखना है। इतना रखने के बाद उसके बाद आपको डन, उसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो में जाना है। उसके बाद ये वाला जो PNG है इसको लिखा जाना है, इसको आपको फुल फोटो में रख देना है। फुल फोटो में रखिएगा वो अपने ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। आपको फुल फोटो सिर्फ करके रख देना है। तो इतना रखने के बाद आपको डन कर देना है। चलिए मैं दूसरा सेट कर देता हूँ, उसको डन कर देते हैं। उसका फिर आपको ऐड फोटो में जाना है। फोटो में जाने के बाद आपको ये वाला जो फायर जो PNG का जो डस्ट नज़र आ रहा है इसको लिखाना है। इसका ब्लेंडिंग मोड आपको स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको फुल स्क्रीन में रख देना है। उसके बाद जो उसका इरेजर वाला ऑप्शन में जाना है, उसके बाद इरेज को ऑप्शन को टच करना है। उसका हार्डनेस और ओपेसिटी को रहने देना है। उसका आपको फेस पर जब जब जैसे जैसे डस्ट आ रहा है उसको खाली इरेज करना है। और उसके बाद फिर आपके इरेजर का साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है उसको टच करके डुप्लीकेट लेयर कर देना है। इससे क्या होगा, और एक डुप्लीकेट बन जाएगा। इतना के बाद आपको डन कर देना है। आप डन कर दीजिए, उसके बाद आपका यहाँ का काम खत्म हो गया। आप फोटो का PicsArt ऑप्शन में सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए जाना है ड्रॉ टूल में, उसे ड्रॉबल ऑप्शन को टच करना है। उसके साइड में 3 डॉट्स में जाना है, उसका सेव टू इमेज कर लेना है। अब इतना होने के बाद आपको आप ये फोटो को Lightroom ऐप्स में बंद कर लेना है। आप PicsArt ऐप्स में फोटो को सेव कर लिए, उसके बाद आपको Lightroom ऐप्स में लेकर जाना है। और Lightroom ऐप्स के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है प्रीसेट का, वो प्रीसेट डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद प्रीसेट को भी Lightroom ऐप्स में लेकर चलना है। तो चलिए चलते हैं Lightroom ऐप्स में। Lightroom ऐप्स में आ जाना है। Lightroom ऐप्स में बंद करने के बाद आपको जो प्रीसेट जो डाउनलोड किया उसको ओपन कर लेना है। उसका साइड में जो 3 डॉट्स दिख रहा है उसको टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ कॉपी सेटिंग कर लेना है, उसका डन कर देना है। उसका जो फोटो आप PicsArt ऐप्स में सेव किए थे वो फोटो को ओपन करना है Lightroom ऐप्स में। उसके बाद आपको फिर से साइड में 3 डॉट्स पर जाना है, उसके बाद पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट कीजिएगा वो ऑटोमेटिक एडिट हो जाएगा। उसके बाद आपको शेयर वाला ऑप्शन में जाके एक्सपोर्ट करके सेव कर देना है फोटो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।